हे गाइज, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मखनी पनीर की रेसिपी। ये मेरे रेस्टोरेंट में टॉप सेलिंग रेसिपी है और इसके साथ में लच्छा पराठा दिखाएंगे आपको। इस तरह से मखनी पनीर बनाओगे तो आप बहुत ही सब उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। बिल्कुल ये अमूल बटर घी क्रीम से रिच रेसिपी है, मुँह में घुल जाएंगी बिल्कुल ये। और साथ में हम इसके दिखाएंगे लच्छा पराठा जैसे हमारे रेस्टोरेंट में बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कितनी टेम्प्टिंग है हमारी मखनी के लिए। सबसे पहले हम एक पतीला ले रहे हैं, उसमें हम घी डाला है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं। इसके बाद में जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और जिंजर गार्लिक को पेस्ट को हम हल्का सा भूनेंगे और उसके साथ में हम यहाँ पे डालेंगे कसूरी मेथी। ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आती है। थोड़ा सा इसको भूनने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, ये खलक के लिए होती है। तो यहाँ पे हम इसको देगी मिर्च डालेंगे थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा टमाटो प्यूरी डालेंगे। हम बाज़ार वाली टमाटो प्यूरी यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो घर पे भी पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे टमाटो ग्रेवी जो हमने ऑलरेडी बना के रखी है। अगर आपको ये ग्रेवी सीखनी है तो कमेंट में बताइए, मैं आपको मेरे होटल में जैसे बनती है टमाटो ग्रेवी आपको बताऊंगा। बाकी मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ। टमाटर लिए हैं हमने इसमें 10 किलो टमाटर में, आधा किलो काजू, आधा किलो मगज, थोड़े खड़े मसाले डाल के इसको अच्छे से पकाया है, उसके बाद में पीसा है। तो इस टमाटो ग्रेवी में अब हम डाल रहे हैं खोया। यहाँ पे मैंने 5 किलो टमाटो ग्रेवी लिए, उसमें आधा किलो खोया डाला है और उसके साथ में आधा किलो अमूल बटर डाला है। अब इसको हम पकाएंगे, तब तक कि ये बिल्कुल रोगन नहीं छोड़ देता। और उसके साथ में हल्का सा सीजनिंग के लिए सोल्ट डाला है हमने इसमें और थोड़ी सा इसमें हम शुगर ऐड करेंगे ताकि टमाटर की खटास थोड़ा कम हो जाए। अब इसके बाद में हमें इसको पकाना है, तब तक ये रोगन ना छोड़ दे। ये देखिए कितना शानदार इसने रोगन छोड़ा है। इस कंसिस्टेंसी तक आप कोई भी ग्रेवी को लेके जाएं, कुछ भी पकाएं, फटी फटी ग्रेवी, दानेदार ग्रेवी बनती है, तो समझ लीजिए अब आपकी ग्रेवी पक चुकी है। अब इसको हम फिनिश करेंगे अमूल क्रीम के साथ में। यहाँ मैंने आधा किलो अमूल क्रीम डाली है और इसको हम बना के हम अपने रेस्टोरेंट में स्टोर करके रख लेते हैं। एक ये अच्छे से फ्रिज में अगर मेंटेन रही तो 2 से 4 दिन चलती है और ये खपत के ऊपर है हमारे, तो वैसे भी ये हर दूसरे दिन बनती है। अब इसका जैसे हम ऑर्डर निकालते हैं रेस्टोरेंट में, यहाँ पे हम पैन लेते हैं, पैन में ग्रेवी डालते हैं डायरेक्ट और इसकी कंसिस्टेंसी सेट करते हैं पानी के साथ में। अब अगेन इसमें हल्की सी सीजनिंग करते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो कस्तूरी मेथी, हल्का सा नमक डालते हैं और इसमें पनीर डालते हैं। आप इसमें चिकन टिक्का भी डाल सकते हो, तंदूरी चिकन भी डाल सकते हो, तो वो बटर चिकन हो जाता है। तो ग्रेवी है इतनी टेस्टी है, आप इसको किसी भी यूज में ला सकते हो। अब इसको फिनिश करेंगे हल्का सा क्रीम, हल्का सा बटर के साथ में। थोड़ा सा यहाँ पे घी भी डाल रहे हैं और फ्लेवरिंग थोड़ा निकल गया है। और एंड में हल्का सा इसमें क्रीम डालेंगे हम। यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। ये हमारी पनीर मखनी रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल तैयार है। ये बहुत लाजवाब होती है खाने में और टॉप सेलिंग है हमारी ये। इसको हम गार्निश करेंगे थोड़ी सी क्रीम के साथ में, थोड़ा इसमें हरा धनिया वगैरह से गार्निश करेंगे हम इसकी। आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। और हमारे रेस्टोरेंट में लच्छा पराठा जैसे बनता है वो आपको एक बार दिखा देते हैं। आप कमेंट करके बताइए घर पे जैसे बन सकेगा तवे पे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ मैं आटे का पेड़ा ले लिया है, उसमें लच्छे बना लिए हैं और उसको तंदूर में लगा दिया है। ये जस्ट फॉर फन आपके लिए दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि घर पे इतना स्पीड से लगना ये तो खैर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी है। और ये हमारा कि बिल्कुल करारा लच्छा पराठा तैयार हो चुका है। तो रेस्टोरेंट में हम ऐसे सर्व करते हैं हमारा लच्छा पराठा। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी,
आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।